आज हम इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन का रिपेयर करने वाले हैं। इस मशीन को चालू करने पर ये चालू नहीं हो रही है, इसका मतलब मशीन में कुछ प्रॉब्लम है। इसके सब स्क्रूज को निकाल कर इसके ऊपर का कैप निकालना है और मशीन का इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। आप अपनी आंखों से इसका चारों तरफ का मुआयना कर लेना चाहिए, कोई स्पार्क चीज़ हमें दिखे तो उसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। देखिए, हमें देखने पर हमें स्विच ख़राब हुआ दिखा है, इसको रिमूव कर कर हमें इसके जगह नए स्विच किस तरह से डालना है आपको आज दिखाने वाला हूँ। इसके नीचे बोर्ड से दो तार आते हैं, बाहर की वजह से दो तार आते हैं, इसके ऊपर और नीचे जानब जुड़े हुए रहते हैं जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये चार वायर रिमूव करने पर आप स्विच निकालना आपके लिए आसान होगा। जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ आप उस तरह से निकाल लें। हाय एवरीवन, मेरा नाम है इलियास और आप देख रहे हैं इलियास पावर टूल्स। दोस्तों, इस तरह के वीडियोस हमें बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। अब मैंने स्विच के सारे तार्स रिमूव कर लिए हैं।